कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की जानिब से पहली लिस्ट में 80 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हुआ है, जिसमें गुलबर्गा नॉर्थ से सज्जाद अली इनामदार का भी नाम शामिल है। सज्जाद अली इनामदार को आम आदमी पार्टी गुलबर्गा नॉर्थ MLA कैंडिडेट डिक्लेयर किए जाने के बाद मुस्लिम चौक पर पटाखों के साथ जश्न मनाया गया है। इस मौके पर सज्जाद अली इनामदार ने नेशनल प्रेसिडेंट और दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, स्टेट प्रेसिडेंट पृथ्वी रेड्डी, कर्नाटक इंचार्ज दिलीप पांडे और दीगर स्टेट और लोकल लीडर्स का सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा कर कहा, इनकी ईमानदारी और वफादारी को देख एक ईमानदार पार्टी ने इन्हें MLA कैंडिडेट बनाया है। और साथ ही तमाम लोकल पार्टी के जिम्मेदार और लीडर्स ने सज्जाद अली इनामदार को MLA कैंडिडेट बनाए जाने पर मुबारकबाद पेश कर आवाम से सपोर्ट की गुजारिश किए हैं। मजीद जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, MSK मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई BSc डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड। मेरे को कलबुर्गी नॉर्थ का टिकट आम आदमी पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके ऐलान किया है। सारे पार्टी के तमाम लीडरों का, मेरे वर्कर्स का जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट सपोर्ट करे, इन तमाम का मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मुझ पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ पड़ी है। गुलबर्गा नॉर्थ एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी है, कौम की क़ियादत के लिए गुलबर्गा नॉर्थ ही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंस है। तमाम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तालुका जात में जो आप लोग हैं, उनकी अगर खिदमत करना है, उनके अगर सपोर्ट करना है, तो ये गुलबर्गा नॉर्थ की सीट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आवाम को वादा करता हूँ, आज आपके दुआओं से, आवाम के दुआओं से मुझको आम आदमी पार्टी का टिकट मिला है। मेरी ईमानदारी, मेरी वफादारी के वजह से मेरे को टिकट मिला है। जो पार्टी एक ईमानदार पार्टी मुझको मिली है, ये मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक ईमानदार पार्टी में एक कैंडिडेट बना। तो आज यहाँ की ज़रूरत क्या है, मैं कुछ सवालात हमारे यहाँ के गुलबर्गा नॉर्थ के दानिशरान, उलमा इकराम, बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े जो ग्रुप्स के हेड्स हैं, उनसे मेरा सवाल है। आप लोग जो है ना, कैंडिडेट किसको करना उसकी फिक्र बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप ये फिक्र नहीं कर रहे कि गरीब आवाम की हिफाजत कौन करेगा। अभी क्या है, जहाँ देखो वहाँ आवाम परेशान है, खासकर गरीब लोग परेशान हैं लैंड ग्रैबिंग माफिया से। ये सियासी पार्टियों के सरपरस्ती में हो रहा है। कोई भी सियासी लीडर आज तक आवाज़ नहीं उठाया, कहाँ एक प्लाट कब्जा हुआ, एक गरीब की मदद करना बोल के बताइए। आज सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम गरीबों की मदद करेंगे। क्या करें गरीबों की मदद, कितने सर्वे नंबर 16 बार 1 में 200 घर तोड़े, 200 लोगों को बेघर बनाए, प्लाटा कब्जा करे और सर्वे नंबर 100। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इनकी हिफाजत करने वाला कौन है उसको कैंडिडेट बनाइए। आप ऐलान करते बैठ के अपने मफाद के लिए आप काम कर रहे हैं, अपने मफाद के लिए। कोई कैंडिडेट मैं इसका सपोर्ट करूंगा तो वो कल जीत के मेरी हेल्प करेगा, मेरी हमारी सपोर्ट करेगा, ये गलत है। आज मैं चैलेंज करता हूं, अलंद का वाकिया मैं इसके तफसील बाद में डिटेल में बताता हूं। अगर अलंद वालों की कोई हेल्प करा है तो सिर्फ और सिर्फ सज्जाद अली इनामदार, बाकी सब सज्जाद अली आगे उसके बाद पीछे। अलंद वाले 200 लोग किसके वजह से, 250 लोग जो है ना जेल गए किसके वजह से, क्या करें आप लोग, कहाँ हैं आप जब कुछ होता है, खाली जिंदाबाद मुर्दाबाद से। अरे मैं अलंद वाले के पीछे हूँ, अलंद वालों के साथ हूँ, गुलबर्गे वालों के साथ हूँ, जुल्म होने वालों के साथ, जुल्म सहने वालों के साथ हूँ, कहाँ है साथ। सियासत के लिए खाली माइक लेके TV में बोले, फेसबुक में बोले, व्हाट्सएप पे बोले तो नहीं होता। तो इसकी तफसील मैं बाद में बोलूँगा। तो मेरी अपील है, मैं ये काम करूँगा, पहले जो है ना ये गरीबों के जो प्लॉट्स
कब्जा होते हैं, लूटे जाते हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट से एक स्पेशल टीम इसके लिए ही बनाना। ये गरीबों के प्लाट के जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, पुरसाने हाल नहीं। आज से 10-20 साल 30 साल पहले प्लाट लेके छोड़े, बेचारे गरीब बन नहीं सके, वैसे ग्रांट खाली दिखे तो गए किसके, एमएलए के पास गए, देखेंगे खुद से कैंडिडेट के बाद देखेंगे, वो नहीं इलेक्शन, अब इलेक्शन है, इलेक्शन बाद अब तक क्या करें, 5 साल कितने हजारों लोगों के नुकसान हो, कौन पूछने वाला है, पानी का कौन पूछने वाला है। अगर मैं तमाम दानेश्वरों से जो आज वहाँ पर यहाँ पर सब मीटिंग कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, आप जो है ना कैंडिडेट जितने भी 4 हैं 3 हैं 5 हैं उनका असेसमेंट करो, कौन क्या काम कर सका है, क्या काम किया है, क्या काम कर सकता है, कौन खिदमत कर सकता है, कौन डट के जो है ना मुकाबला करके इनको इंसाफ दिला सकता है। ऐसा आदमी अगर मेरे से अच्छा आदमी है तो मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, ये मेरा वादा है। बता दे मेरा इस, मैं जो काम कर रहा हूँ ये, मैं एमएलए नहीं हूँ, कॉरपोरेटर नहीं हूँ, मेयर नहीं हूँ, एक्स हूँ, मैं एक्स डिप्टी मेयर हूँ, रहते हुए बहुत बड़े बड़े मसाइल आप तमाम आवाम देख रहे हैं, मैं रिंग रोड का मसला, आईडीसी करंट का मसला, हर कोई मसला है, कितने उर्दू का मसला, उर्दू हम बचाते कहाँ है, 200 आदमी जो मुझको घेरा दिए थे 23 जुलाई को कॉरपोरेशन में, 200 आदमी का मुकाबला करके, डट के मुकाबला करके जो बोर्ड निकाले थे उर्दू का, उसको फिर से ला के बटाने, जहां था वहां बिटाने वाला कौन बोले तो सज्जाद अली इनामदार अकेला मौजूद है, वो सारे मीडिया में वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो फिर आप और कैसा आदमी चाहिए आपको, पैसे बांटने वाला, क्या गारंटी कार्ड है कांग्रेस का, झूठा गारंटी कार्ड है, बीजेपी वाले झूठ बोलते, जेडीएस का तो मैं बोलता नहीं, कुमार स्वामी की सरकार 1.5 साल थी, 18 महीने थी, एक मुस्लिम को मिनिस्टर नहीं बनाया, सीट खाली गई पूरी, लेकिन मुसलमान को नहीं बनाया, ये मुस्लिम मुखालिफत पार्टी है जनता दल और कुमार स्वामी जी, कुमार अन्ना मुस्लिम के फेवर में नहीं, खाली इन्होंने आंसू पोसते हमारे मुसलमानों के, आंसू पोसने वाले नहीं होना, दर्द को महसूस करके उनकी मदद करने वाले होना, अगर वो कोई है तो श्री अरविंद केजरीवाल जी है, श्री प्रतीक रेड्डी जी है, मैं सज्जाद अली हूँ, मैं आपके तहे दिल से सच्चे दिल से खिदमत करूँगा। तो आज हमारे कर्नाटक आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल फाइनल लिस्ट आई है, जो पहली लिस्ट है जो 80 कैंडिडेट को आज ऑफिशियली अनाउंस किए, उसमें हमारे सज्जाद अली इनामदार साहब भी है जो हमारे नॉर्थ असेंबली के कैंडिडेट आम आदमी पार्टी। मैं मुबारकबाद देता हूं सज्जाद साहब को जो हमारे आम आदमी पार्टी में 1.5 साल पहले आए थे और 1.5 साल से नॉनस्टॉप पब्लिक के लिए मेहनत किए, जो आम आदमी का पार्टी का ब्रांड है, जो पब्लिक के लिए काम करती है, आम आदमी सज्जाद साहब पावर में नहीं रहने के बाद भी वो इशू उठाए, बहुत सारे इशू उठाए, गिनना चाहे तो बहुत सारे हैं, आप सब देख चुके हो कि सज्जाद साहब रोड हो, पानी हो, और पुलिस डिपार्टमेंट का इशू हो या कुछ भी हो, सज्जाद साहब ऑलवेज हमेशा अवेलेबल रहे पब्लिक के लिए। तो यही मेहनत हमारी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की टीम देखकर आज हमारे सज्जाद साहब को ऑफिशियली आम आदमी पार्टी के टिकट के लिए अनाउंस किए हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है, हमारे तमाम आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे सज्जाद साहब को एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हमारे पार्टी का अनाउंसमेंट आज आया है, और आज आप एमएलए कैंडिडेट नॉर्थ गुलबर्गा नॉर्थ के लिए एमएलए कैंडिडेट आप जो है ना घोषित किए गए हैं। तो आज के इस मौके पे मैं अपने दिल की गहराई से हमारे पार्टी के सारे वर्कर्स
तो हमारे अरविंद केजरीवाल से लेकर करके हमारे पृथ्वी रेड्डी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट और हमारे वाइस प्रेसिडेंट और हमारे जितने कर्नाटक के स्टेट के जो इंचार्ज दिलीप पांडे साहब हैं उन सबको मैं मुबारकबाद मैं अपने दिल की गहराई से हमारे पार्टी के पूरे वर्कर्स की तरफ से मैं ये पेश करना चाहता हूँ कि आपने एक सही वक्त पे एक सही फैसला आप लोगों ने लिया और सज्जाद साहब जो कि निरंतर जो है हमारे नॉर्थ गुलबर्गा नॉर्थ के लिए इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए और इसके लिए मैं ज़रूर चाहूँगा ऐसे मौके पे कि अभी वो वक्त आ गया है कि आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन होने का है और उसमें आप अपने इम्पोर्टेंट मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए आप सज्जाद साहब को भारी बहुमत से कामयाब करें इनको सिलेक्ट करें सो दैट कि यहाँ से हमारी कामयाबी जो है ना कामयाबी का सिलसिला शुरू होगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर हम बहुत जल्द हम अरविंद केजरीवाल साहब को भी यहाँ पे हम दावत देंगे और वो जो है ना हम लोग सब लोग तन मन धन से लग कर करके आपको यहाँ से 100% हम लोग यहाँ से कामयाब करने की कोशिश करेंगे और इसमें ज़रूरी है कि आने वाले इलेक्शन में हर साल हर 5 साल में इलेक्शन का क्राइटेरिया बदल जाता है अब वो वक्त नहीं है कि खरीदो फरोख किया जाए कोई कैंडिडेट किसी को हाथों बिकेगा नहीं अब इलेक्शन के वक्त जब वोट देने का वक्त आएगा उस वक्त हम लोगों का सिलेक्शन और हम लोगों का जो क्राइटेरिया है कि इलेक्शन फॉर द वोट फॉर द डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल ये जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था उस डेफिनेशन को हम लोग अमली जामा पहनाएंगे और अपना डेमोक्रेसी खुद से हम आबाद करेंगे और जो भी गलतियां हो गई हैं इसमें उसको करेक्शन करने का वक्त अभी इलेक्शन के वक्त होता है इलेक्शन के वक्त ज़रूरी है कि आप खुदा को हाजिर नाजिर रख करके आप ऐसे कैंडिडेट का चयन करें कि आपका जो है सिलेक्शन ये यहाँ से लेके दिल्ली तक आपको रिप्रेजेंट करे अगर हम लोगों ने उस वक्त गलती की तो फिर से जो है गलत इंसान गलत कैंडिडेट हमारा रहनुमाई करेगा जो हमने पिछले 5 सालों में हमने देख लिया हम लोगों ने मैडम कनीज फातिमा को वोट दिया और हम लोगों को 5 साल तक तड़पते रहना पड़ा कोई भी रहनुमाई नहीं मिली हमें मैं मार्केट में रहता हूँ मार्केट में 100 मसले मसाइल हैं लेकिन हमारी कोई भी रहनुमाई नहीं हो पाई तो मैं चाहता हूं कि एक सही कैंडिडेट जो सज्जाद साहब ने अभी जो है सज्जाद साहब को जो एक एतमाद एक भरोसा जो दिया दिलाया गया है तो उस भरोसे और एतमाद के ऊपर हम लोग जो है ना साबित कदम रहेंगे और हम लोग ये गुलबर्गा नॉर्थ से जो कि बहुत ही सूटेबल कैंडिडेट हैं अगर हम सब कैंडिडेट का मुआयना करेंगे तो उसमें सज्जाद साहब की पर्सनैलिटी सज्जाद साहब की शख्सियत मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन इस पोजीशन के लिए है और इनका जो है कम्युनिकेशन और इनका जो इंटर कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट में है आपने 28 साल तक पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया और मैं देखता रहता हूं कि आपका कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन पुलिस डिपार्टमेंट से म्यूनिसिपैलिटी से और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल से है तो मैं चाहता हूं कि इतने दिनों में जो गैप रह गया है उस गैप को कमी को उसको पूरा करने के लिए आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है पूरा यकीन है और हम लोग बहुत जल्द दिल्ली से हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे आज जो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है आम लोगों के लिए जो कि बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी है जो अभी वक्त का तकाजा है अभी मुल्क हमारा जो है बहुत ही परेशान हाल है इतना परेशान हाल है कि कोई भी सॉल्यूशन कोई भी हल दिख के नहीं आ रहा है सिर्फ एक ही हल दिख के आ रहा है कि हम लोग अंधाधुंध आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं अगर आज हम लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो हमारा जो शहर वो बहुत ही विकसित शहर बन जाएगा और हम देखते देखते सारे मसले मसाइल को हल हम आपके ज़रिए से हम लोग हल को इस शहर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं मैं देखता हूँ कि अभी शहर की रहनुमाई जीरो हो गई है जीरो इस शहर की रहनुमाई को जीरो को हम लोग 100% पे लेके जा सकते हैं अगर हमने सज्जाद अली इनामदार साहब को अगर हम लोगों ने आने वाले इलेक्शन में
में हमने इनको जिताया और इनका ताउन किया, तो इसीलिए क्योंकि हमारा जो नॉर्थ गुलबर्गा नॉर्थ का जो रीजन है इसमें बहुत ज़रूरी है सज्जाद साहब की जो है मौजूदगी। ये हमेशा रात के दो बार हमेशा किसी वक्त भी जो है ना खिदमत करने के लिए तैयार हैं। तन मन धन से मैं देख रहा हूँ सज्जाद साहब को कि ज़रा सा भी उफ तक नहीं बोलते और जितने मसले मसाइल हैं उस सबको अंजाम तक पहुँचाने के लिए आप तैयार हैं। प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ कि इनके अलावा मुझे कोई भी दूसरा कैंडिडेट कोई भी किसी भी लेवल पर सूटेबल नहीं दिख रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि सज्जाद साहब को हम लोग अमली जामा पहना करके इनको कामयाब करके हम लोग इनको जो है ना इस शहर की जो रहनुमाई जो है जीरो हो गई है इसको हम लोग 100% तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मैं पूरे यकीन के साथ मैं बोल सकता हूँ कि सज्जाद साहब के अंदर बखूबी वो सलाहियत मौजूद है और इस सलाहियत का हम लोग भरपूर जो है ना फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। हर लेवल के लोगों के लिए आप जो है हर वक्त जो है तैयार रहेंगे। तो मैं इन छोटी सी बातों को वक्त के कमी की वजह से मैं इन छोटी सी बातों को रख करके मैं इतना जो है मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि आने वाले इलेक्शन में अभी से हम लोग मीडिया वाले को भी रिक्वेस्ट करता हूँ और पूरी आवाम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग जो है ना झाड़ू का बटन दबा कर करके सज्जाद साहब को कामयाब करें। जय हिंद साथियों, आज कर्नाटका आम आदमी पार्टी ने आज 80 सीट अनाउंस की है। उस 80 सीट के अंदर हमारे गुलबर्गे के 3 एमएलए कैंडिडेट को अनाउंस किए हैं। फर्स्ट है नॉर्थ, सेकंड साउथ और थर्ड है रूरल। साउथ के अंदर हमारे सिद्धू पाटिल तेगनूर इनको एमएलए कैंडिडेट डिक्लेयर किए हुए हैं। नॉर्थ के अंदर सज्जद अली इनामदार सर इनको एमएलए कैंडिडेट डिक्लेयर किए हुए हैं और रूरल में डॉक्टर राघवेंद्र चिंचनसूर इनको एमएलए कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। और तीनों के नाम पे आम आदमी पार्टी कर्नाटक स्टेट से और सेंट्रल से सर्वे करने के बावजूद कोई भी एक काला दाग नहीं मिला। सिद्धू पाटिल साहब का हो, सज्जद अली इनामदार साहब का हो और राघवेंद्र चिंचनसूर साहब का हो, लोगों का कहना एक ही है, तीनों लोग ईमानदार हैं। सिर्फ ये लोग लोगों की खिदमत करना जानते हैं और कई सालों से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, कई मसाइल लोगों के हल कर चुके हैं तो हम लोगों को पूरा भरोसा है स्टेट प्रेसिडेंट पृथ्वी सर को और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सर को और हमारे कर्नाटक स्टेट के इंचार्ज दिलीप पांडे सर को, वाइस प्रेसिडेंट विजय शर्मा सर को और संचित सावने सर को। इनको पूरा इनके ऊपर यकीन है, ये लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और नॉर्थ साउथ ग्रामीण हम लोग जीतेंगे, ये लोगों को भरोसा है। जैसे दिल्ली और पंजाब में बदलाव आया है वही बदलाव गुलबर्गे में लाने के लिए पूरी ताकत से फाइट करेंगे, ईमानदारी से फाइट करेंगे। जय हिंद, जय कर्नाटक।